हेलो, दीपक केळकर दिस साइड। धंधा डबल कैसे करना, इसके बारे में कुछ बातचीत मैं आपसे करने वाला हूं। हर धंधे वाले को ऐसा लगता है कि उसका धंधा बड़ा होना चाहिए, डबल होना चाहिए, दुगना होना चाहिए और उसने बहुत पैसे कमाना चाहिए। मगर मुझे लोगों को सवाल पहले यह पूछना है कि आप सच्चे धंधे वाले हो क्या? कि कुछ लोग जो रहते हैं वो एक छोटा सा धंधा लेके बैठते हैं। छोटा दुकानदार है, पान पट्टी वाला है, या छोटा दुकानदार है, किराना दुकान है, और वो खुद चालक खुद मालक है, मतलब सब कुछ खुद करेगा, झाड़ू भी वो ही लगाएगा, पैसे भी वो लेगा, माल भी वो निकाल के देगा। तो वो एक्चुअली धंधे वाला है नहीं, वो कौन है? वो सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है। तो शुरू में तो सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड रहते, मतलब खुद ने खुद को नौकरी दिया हुआ है। धीरे 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 आपको क्या करना पड़ेगा कि लोग आपको जोड़ने पड़ेंगे आपके बिजनेस में। जैसे जैसे आप लोग जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको फ्रीडम मिलेगा। क्योंकि यदि आप सब कुछ कर रहे हैं तो विचार कौन करेगा? दिन भर यदि सवेरे 9 बजे से दुकान खोल दिया और रात को 9 बजे तक दुकान चालू है या 10 बजे तक दुकान चालू है, आप घर से डब्बा वहीं बुला रहे, वहीं खाना खा रहे, कहीं आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ माल निकाल रहे, बैठ रहे, तो धंधा बढ़ाएंगा कौन? बड़ा कौन करेगा? माल कौन खरीदेगा? मार्केटिंग कौन करेगा? नए नए आइडियाज कौन लाएगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सिंपल एक कोचिंग ये है मेरा कि भाई लोग आपको लगेंगे और वो लोग ऐसे लगेंगे अलग अलग काम करने के लिए। जैसा कोई मार्केटिंग का काम कर रहा है, कोई खरीदी का काम कर रहा है कि कोई माल खरीद के ला रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है अपने नाम का मार्केटिंग, धंधे का मार्केटिंग कर रहा है, और कोई गल्ले पे बैठा हुआ है, कोई देख रहा है कि स्टॉक कितना है। तो ऐसे धीरे 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 आपको लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे। और आप जब लोग अपॉइंट करेंगे वो धंधा जब ऑटो पायलट के ऊपर जाएगा, ऑटो पायलट इसका मतलब धंधा आप ही आप चल रहा है, आपको वहां बैठने की जरूरत नहीं है, लोग काम कर रहे, लोग धंधा चला रहे और आप फ्री हो। तो ये जब कंडीशन आ जाती है उसको बोलते हैं धंधे वाला। धंधे वाला क्या करता है? धंधे वाला ट्रेडिंग नहीं करता कि यहां से माल लाया वहां बेच दिया, वो धंधे वाला एक्चुअली है नहीं। धंधे वाला मतलब एक मटेरियल लाया और उसको वैल्यू ऐड किया और वैल्यू ऐड करके उसको बेचा। मतलब जैसा आम लाया, फॉर एग्जांपल आम लाया और आम बेचा तो हो गया ट्रेडिंग। पर आम लाया, उसका जूस निकाला और उसका मैंगो शेक बना दिया, है ना, या मैंगो आइसक्रीम बना दिया उसका, तो उसको वैल्यू ऐड हो गई। तो एक आम यदि आपने 100 रुपए का लाया होगा तो एक्चुअली मैंगो शेक जो उससे बनेगा वो शायद 200 रुपए का, 300 रुपए का बेचा जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति धंधा यदि करता है, बिजनेस करता है, तो वैल्यू एडिशन आप कितने करते हो उसमें? जो माल आप बेचते हो उसमें कितनी वैल्यू एडिशन करके वो बेचते हो, उसके ऊपर आपका धंधा कितना बड़ा होगा वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है। और दूसरा ये है कि आप लोगों को जोड़ के उनसे काम कैसे करवा के लेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको फ्री होना पड़ेगा। धंधे वाला व्यक्ति कभी काम नहीं करता, वो धंधे पे बैठते ही नहीं है। धंधे वाला व्यक्ति कोई धंधे में जाएगा भी नहीं, वो ना गल्ले पे बैठेगा ना पैसे जमा करेगा। धंधे वाले का काम एक ही है, सोचना कि मैं क्या धंधा नया डालूं, कौन सा धंधा नया डाल के या जो धंधा चले उसमें डाइवर्सिफाई कैसे करूं, उसमें अलग अलग और क्या नया करूं, नई चीज क्या लाऊं, नए तरीके से लोगों को क्या बताऊं, नया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या लाऊं, नई रिस्क कैसे लूं। धंधे वाले का काम यही है, रिस्क लेना, नया मार्केट ढूंढना, नया प्रोडक्ट ढूंढना। उसके लिए उसको चाहिए टाइम, और टाइम तभी मिल सकता है जब उसके पास में काफी सारे लोग हैं। तो 1 साल में डबल धंधा करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बारे में धंधा कैसे ग्रो करना, डबलिंग कैसा करना, डबल योर इनकम कैसे करना, इसके बारे में जानकारी हेतु आप मेरे यूट्यूब की वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।